मनुष्य में क्या चीज बड़ी है, इसमें बड़ा क्या है। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में मनुष्य का जो सम्मान है, मनुष्य का जो स्थान है, मनुष्य की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को कोई दूसरा प्राणी आज तक प्राप्त नहीं कर सका। और मनुष्य विभिन्न टाइप के हैं। एक मनुष्य वो भी है जो व्यास गादी पर बैठा प्रवचन सुना रहा है, दूसरा मनुष्य वो भी है जो सामने बैठकर मुस्कुराकर प्रवचन सुन रहा है, और तीसरा मनुष्य वो भी है जो दारू पी करके नाली में पड़ा हुआ है, वो भी मनुष्य है। इसलिए विचारक कहते हैं, आदमी आदमी में अंतर, औरत औरत में अंतर। हर लेडीज निराली है, अद्भुत है। ये सब लगता है सब स्त्रियां बैठी हैं, स्त्रियां तो हैं, लेकिन हर स्त्री निराली बैठी, सब निराली है। इनकी चाल निराली है, इनका हाल भी निराला है, और इनके धोती साड़ी का रंग भी निराला है। अब लेडीज खुश हुई है कि मेरी बात तो आ गई अब। और इनके जीने का ढंग भी निराला है, बोलने का अंदाज भी निराला है। हर व्यक्ति अनोखा चोखा बन करके जन्म लेता है। कबीर कहते हैं, मनुष्य को एक ही चीज उसे बड़ा बनाती है, महान बनाती है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज। माइक की आवाज अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। अरे कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, जितनी अच्छी उतनी अच्छी है, फिर कितनी अच्छी है। जैसे रसगुल्ला मीठा होता है, ऐसी मीठी आवाज माइक। साहिब बंदगी बोलो, साहिब जय सिया राम भी बोलो, जय लक्ष्मी बोलो। इधर लक्ष्मी बैठी है, इनकी जय नहीं बोलोगे तो घर में तुमको सुधारेंगी। क्योंकि मेरे को तो किसी घर जाना नहीं है, मैं तो अपना घर वर सब मिटा दिया, लेकिन तुम शाम को जब घर पहुंचोगे ना, तो बेलन से रोटी कम बेलेगी, तुमको बेल देगी। इसलिए इनकी जय यहीं से बोल दो। सीता मां के समान सभी नारियां दर्शन दे रही, इसलिए मानस कहती है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर युग पानी। पानी माने पानी नहीं, पानी माने हाथ, युग माने दोनों, जोड़ माने जोड़ना, दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूं। नारियों में सीता का दर्शन, पुरुषों में राम का दर्शन होता है। राम साक्षात तो नहीं मिलेंगे, सीता भी साक्षात नहीं मिल सकती है, लेकिन सीता के रूप में नारियां और राम के रूप में पुरुष मिलते हैं। उन्हीं में सीता और राम का दर्शन कर लेना तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, मंदिर। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने हमको टीवी में या मोबाइल के यूट्यूब में देखा है, दोनों हाथ उठाकर बताओ। सबने देखा है, नीचे कर लो।
तब तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी, सब देख ही चुके थे कि फिर भी आना चाहिए, आना चाहिए। एक बार की, दो बार, बार बार की, कि हजार बार कि जिंदगी भर, अरे मरने के बाद भूत बनकर आ जाएगी। ये जन्म जन्म का हमारा तुम्हारा रिश्ता है। चाहे आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ हो, मेरा जन्म नेपाल बॉर्डर पर हुआ हो, लेकिन ये जन्म जन्म की रिश्तेदारी है। इसलिए नेपाल से चलकर मैं यहां आया हूं और एमपी से तुमने नेपाल वाले महात्मा को यहां बुलाया। जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तो कबीर कहते हैं, मनुष्य में यदि कोई बड़ी चीज है, वो नर हो या नारी हो, बालक हो या वृद्ध हो, कर्मचारी हो या ब्रह्मचारी हो, लेकिन जिससे मनुष्य में बड़प्पन आता है, ऊंचापन आता है, महानता आती है, वो है मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े हैं और वही तुझको महान बनाते हैं। और पूर्ण गुण जब विकसित हो जाते हैं तो वही गुण तुझको भगवान भी बना देते हैं, भगवान भी बना देते हैं। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। देखिए शंकर जी का डमरू भी कमाल कर रहा है। आजकल के नर नारी में भी 64 गुण मिलना तो कठिन है, लेकिन 64 दुर्गुण तो जरूर मिलेंगे। और जब शिव जी के डमरू में 64 गुण हैं, तो सोचो शिव जी में कितने गुण होंगे। उनमें तो सब गुण ही गुण होंगे, सर्वगुण संपन्न, तभी तो भगवान कहे गए। और शिव जी लंबा कपड़ा नहीं पहनते और पेंट शर्ट भी नहीं पहनते, न पैजामा कुर्ता, घुटनों के बराबर बाघंबर लपेटते, क्योंकि शिवजी कहीं किसी को रपटाना पड़े, भागना पड़े, तो लंबे कपड़े पांव में फंस सकते। शिवजी एकदम अलर्ट भगवान है। मैं सभी भगवानों को गौर से देखता हूं, सभी भगवान के गले में माला भी है, ये देख लेना, गले में माला सबके मिलेगी। और सभी भगवान के हाथों में कोई न कोई अस्त्र जरूर मिलेगा। शिव जी कुछ नहीं रखते थे तो त्रिशूल रखते थे। भक्ति करो तो तुम्हारा शूल मिटा देते, और उल्टा पलटा करो तो त्रिशूल भोंक देते। ये त्रिशूल शिव जी। भगवान राम के पास भी धनुष बाण है, कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन है, और परशुराम भगवान तो कुल्हाड़ी रखते थे, जिससे लकड़ी फाड़ते ना, वो आदमी को फाड़ी देते थे। हमारी भगवान हनुमान जी गदा, और सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र एक और है, वो है आपकी मुस्कान भरी मीठी वाणी। इस शस्त्र के सामने दुनिया के सभी शस्त्र फेल हो जाते हैं।
जब केवट से राम ने नाव मांगा, केवट ने इनकार किया, तो राम ने एक ही बात कहा मुस्कुराकर, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तव नाव न जाई। क्या बोले आदित्य दास? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुराकर जीना, खुश होकर रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, ये भगवान राम का लक्षण है। हंस करके जीना ये कृष्ण का लक्षण है, आंखें मूंद कर रहना ये बुद्ध भगवान का लक्षण है। ध्यान में आंखें इधर उधर करना ये रावण का लक्षण है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नया वे काज, हाण न होते आभरण, तुचा न बाजने बाज। संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। कबीर साहब बड़े तार्किक महात्मा थे। कहते हैं, हे इंसान, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, जेवर नहीं बनते, और तेरी त्वचा के ढोल बाजे नहीं बनते, और तेरा मांस भी काम नहीं आता है, तो तेरे में विशेषता तो एक ही है कि तू तेरे गुणों के कारण बड़ा है, और गुणवान बनने में कोई मेहनत नहीं, धनवान बनने में बहुत मेहनत है। रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, सिटिंग करना पड़ेगा, सही डिसीजन लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब धनवान बनोगे। लेकिन गुणवान कोई बन सकता है, और जिसमें जितने ज्यादा गुण होंगे उतना ज्यादा उसको सुख भी मिलेगा। गुणवान को सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, बड़प्पन मिलता है, आदर मिलता है, और गुणवान की पूजा भी होती है। गुणवान की पूजा होती है। ये माइक हमारे सामने जो रखा है ना, ये होगा कोई 1 किलो वजन, दोनों, इससे ज्यादा नहीं होगा। कम भी हो तो तर्क मत करना, मैं तौला नहीं, आइडिया से बता रहा हूं। 1 किलो, 1 किलो लोहा मार्केट में नया लोहा खरीदो तो 50-60 रुपए का मिल जाएगा, पुराना लो तो 30 रुपए मिल जाएगा, पर इसको खरीदने जाओ तो फिर ये 8-10 हजार का मिलेगा, 20 हजार का मिलेगा, ये इतना। ये क्यों, इतनी कीमत क्यों बढ़ी इसकी? क्योंकि इसमें आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण है, इसलिए कीमत बढ़ गई। यदि दुनिया में तुम कीमती बनना चाहते हो, मूल्यवान बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, आदरणीय बनना चाहते हो, पूजनीय वंदनीय अर्चनीय बनना चाहते हो, जन जन के दिलों में वास करना चाहते हो, और अपनी खुशबू को बिखेरना चाहते हो, तो केवल और केवल गुणवान बन जाइए, सब तरफ आपकी सुगंध फैल जाएगी।